सब्सक्राइब कीजिए सिम्पसन्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आज एक नॉनवेज रेसिपी बनाएंगे, चिकन स्टिव। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, और साथ ही जो मैंने लेग पीस लिए है उसको थोड़े से कट्स लगा लिए है ताकि ये लेग पीस खाने में बहुत ही अच्छे लगे। साथ ही हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसे जूलियन में कट कर सकते हैं। दही चाहिए हमें 4 से 5 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। साथ ही हमें जूलियन में कटे हुए अदरक चाहिए, तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, जिसको कि इस तरह से जूलियन में कट्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ सूखे मसाले और कुछ खड़े मसाले चाहिए, वो देख लेते हैं। तो खड़े मसालों में हमें चाहिए 10 से 15 काली मिर्च, हरी इलायची चाहिए 3 से 4, लौंग ले लेंगे 10 से 12, एक बड़ी इलायची चाहिए, एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, और साथ ही हमें चाहिए लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है, तो 3 से 4 लाल मिर्च ले लेंगे और 1 तेज़पत्ता ले लेंगे। तो ये हमने अपने खड़े मसाले देख लिए हैं। अब पाउडर मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च पाउडर ली है, तो मैंने यहाँ पे तीखी लाल मिर्च ले ली है, और साथ ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले ली है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। धनिया पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही हमें चाहिए जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब हमें चाहिए नमक, तो सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और हरा धनिया चाहिए इसे गार्निश के लिए। साथ ही हमें चाहिए तेल इसे बनाने के लिए। तो ये देखिए, हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे चिकन स्टिव बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे, और इसे चलाते हुए हम 1 से 2.5 मिनट तक के अच्छे से सौते कर लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है तेल में अच्छे से रिलीज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तो यहाँ पे हमने जो सूखी लाल मिर्च ले ली थी वो इसमें डाल दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो हमने लंबाई में काट रखी थी। चला देंगे इसे, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए हमें बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक के इसे फ्राई कर लेना है। ध्यान रखेंगे कि प्याज को हमें बस सॉफ्ट करना है, इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही सुंदर आता है। ध्यान रखेंगे प्याज को जो है हमें डार्क नहीं करना है, इसको हल्का सा गोल्डन और सॉफ्ट होने तक के इसे फ्राई करना है। इसका जो सौंदापन है इस चिकन स्टिव में बहुत अच्छा आता है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, चला देंगे इसे अच्छे से, और इसे बस चलाते हुए 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे हमने जो चिकन अच्छे से वॉश करके रखा है, सारा के सारा चिकन हमें इसमें डाल देना है, और अब इसे हमें चलाते हुए गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए चिकन का जो कलर है वो चेंज होने तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने जो पाउडर मसाले लिए थे, सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। चला लेंगे इसे अच्छे से, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, ताकि मसाले जो है वो जलने नहीं चाहिए। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, चला लेंगे इसे भी। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें टमाटर और मसालों को अच्छे से पका लेना है। हमें इसे इस तरह पकाना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर की थोड़ी सी लीड लगाकर इसे थोड़ा ढककर भी पका सकते हैं, जिसके वजह से कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट में टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसालों का कच्चापन जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर बहुत ही अच्छे से पक के सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, तो यहाँ पे दही ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक के पका लेना है, जब तक कि हमारा जो दही का पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट में ही दही जो है अपना पानी कम्प्लीटली ड्राई कर चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से मिल के आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी हमें 100 ml के करीब ऐड करना है, आप अगर चाहे तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है मैंने। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब अदरक के लच्छे जो हमने पहले ही अच्छे से काट के रखे थे वो डाल देंगे यहाँ पे। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब प्रेशर कुकर लगा लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पका लेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इसे बिना ढके हमें 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पका लेना है। इससे क्या होगा कि प्याज टमाटर और जो चिकन है उसका सारा जो है अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएंगे और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है और खाने में इसे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक के इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मिल चुका है और तेल ऊपर निकल आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। तो गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक के पकाऊंगी, ताकि हमने जो इसमें पानी डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, हमारे जो चिकन है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन स्टीर बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।